एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में एक बुद्धिमान और मेहनती चींटी रहती थी। चींटी ने अपने दिन भोजन इकट्ठा करने और आगामी सर्दियों के लिए एक मजबूत आश्रय बनाने में बिताए। दूसरी ओर पास में एक लापरवाह टिड्डा रहता था, जो तैयारी के महत्व को नजरअंदाज करते हुए पूरे दिन गाना और नृत्य करना पसंद करता था। चींटी ने टिड्डे को आने वाली सर्दी और भोजन का भंडारण करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन टिड्डे ने यह मानते हुए सलाह को नजरअंदाज कर दिया कि सर्दी अभी दूर है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सर्दी आ गई और जंगल बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। चींटी के पास ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त से अधिक भोजन संग्रहित था, जबकि टिड्डा खाने के लिए कुछ भी खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। कांपता और भूखा टिड्डा चींटी की शरण में गया और विनम्रता पूर्वक मदद मांगी। चींटी टिड्डे की लापरवाही को याद करके पहले तो मदद करने से झिझकी, हालांकि इसका दयालु स्वभाव किसी जरूरतमंद की उपेक्षा नहीं कर सकता। चींटी ने टिड्डे के साथ अपना भोजन साझा किया और उसे तैयारी और कड़ी मेहनत के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। टिड्डे ने अपना सबक सीखा और भविष्य में जिम्मेदार होने का वादा करते हुए अपने आलसी तरीकों को बदलने की कसम खाई। कहानी का सार, भविष्य के लिए तैयारी करना और लगन से काम करना बुद्धिमानी है, क्योंकि जरूरत के समय लापरवाही और आलस्य कठिनाइयों का कारण बन सकता है।